हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो स्पोकन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, हम देने का प्रयास करते हैं। तो आप अटेंटिव होकर पेन और कलम के साथ तैयार होइए, आइए हम देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए आपको टिप्स देने का प्रयास करेंगे जो एक बड़ा ही कॉमन वे में हम यूज करते हैं। प्रायः बातचीत करते समय हम कहते हैं कि मैं कार चलाना जानता हूं, उसे खाना बनाना आता है, सीमा स्कूल का रास्ता भी जानती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? यदि आपको कहना है कि मैं खाना बनाना जानता हूं, समझ रहे हैं, उसे कार चलाना नहीं आता है, क्या तुम जानते हो कि वीडियो कैसे बनाई जाती है? तो आइए हम इस प्रकार के वाक्यों को फ्रेंड्स देखते हैं कि किस ढंग से उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपको जोड़ना चाहता हूं उसे खाना बनाना आता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा आप जुड़ें और ये समझने का प्रयास करें कि उसे खाना बनाना आता है मीन्स वह जानती है खाना बनाना, वह खाना बनाना। अब यहां पर इस आने के लिए आता है के लिए आप कम का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। उसे खाना बनाना आता है मीन्स वह जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है, खाना बनाने के जो तरीके हैं, प्रॉपर वे हैं, उनको वह जानती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे खाना बनाना आता है, यह वाक्य तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का है, लेकिन हम आपको सावधान करना चाहेंगे कि इस आता है के लिए आप कभी भी कम या गो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बनाएंगे कैसे? इसके लिए आप सबको चाहिए कि आप बिल्कुल सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है उसे खाना बनाना आता है, तो ही या सी, जो भी आप जिस वे में लिखना चाहें। तो ही नोज, के एन ओ डब्ल्यू एस, फ्रेंड्स मीन्स वह जानता है, वह जानता है, या सी नोज, वह जानती है क्या, हाउ टू कुक फूड, भोजन कैसे बनाया जाता है, मीन्स भोजन बनाने की तरीकों को वह जानता है या जानती है। ही लिखेंगे तो मैस्कुलिन, सी लिखेंगे तो फेमिनिन, ये आप समझ रहे हैं। ही नोज हाउ टू कुक फूड। रवि को कार चलाना आता है, रवि को कार चलाना आता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कार चलाना आता है का मतलब कार चलाने की जो प्रॉपर सिचुएशन होनी चाहिए वो उसको पता है कि कार कैसे चलेगी, कैसे रुकेगी। तो फ्रेंड्स, यहां भी आना के लिए आपको कम नहीं लिखना है। रवि को कार चलाना आता है तो आप लिखेंगे, सीधे लिखिए रवि नोज, रवि सिंगुलर है इसलिए नो में एस या इस लगाएंगे। रवि नोज, रवि जानता है, क्या करता है भाई, कि हाउ टू ड्राइव अ कार, कार कैसे चलाई जाती है। आप देख रहे हैं रवि नोज, रवि जानता है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, कार कैसे चलाई जाती है, मीन्स रवि को कार चलाने की जानकारी है, वह उसके विधि को जानता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बेहतरीन तरीके में आप ऐसे करेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जब बोलने को आएंगे तो आप बेहिचक बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ आपको करना क्या है, उसी टेंस की जानकारी, जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस में आप उसको बनाएंगे। रवि को कार चलाना आता है, प्रेजेंट डिफरेंट है, तो आप लिखेंगे रवि नोज, रवि जानता है। यहाँ आप लिखे ही नोज, वह जानता है, या सी नोज, वह जानती है। फिर हाउ टू जोड़ करके जो वर्ब है उसको आप लिख देंगे। इसके साथ हम भाव को इस ढंग से प्रकट करते हैं, शायद आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से और जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहूं
क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि गाड़ी कैसे रुकती है? अब फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं गाड़ी कैसे रुकती है, क्या तुम जानते हो कि, भाव वही है, मीन्स चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप लिख सकते हैं कि वह गाड़ी रोकना जानता है, गाड़ी कैसे रुकती है उसको पता है, दोनों का भाव यही है। तो आप इसके लिए कैसे बनाएंगे, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, कि गाड़ी कैसे रुकती है, डू यू नो हाउ टू ब्रेक, या यहां पर आप स्टॉप लिख सकते हैं, हाउ टू स्टॉप द कार। इंट्रोगेटिव वाक्य है, इसलिए आपको यहां इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, डू यू नो हाउ टू ब्रेक, इस प्रकार से भी ऐसे वाक्य बनते हैं। देखिए कैसे, जिसको आपको ऊपर वाले वाक्य को देखें, हम प्रवीण को कार चलाना है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या तुम जानते हो कि रवि कार चलाना जानता है, तो आप लिखेंगे डू यू नो रवि, डू यू नो अबाउट रवि, क्या तुम रवि के विषय में जानते हो, दैट ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार कैसे चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य सिचुएशन के अनुसार बनेंगे, क्या तुम जानते हो कि गाड़ी कैसे रुकती है, डू यू नो हाउ टू ब्रेक या स्टाफ द कार, कार को कैसे ब्रेक लिया जाता है, कार कैसे रोकी जाती है, या कैसे कार को स्टाफ रुकना होता है। तो ऐसे वाक्यों को आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से एक वाक्य आप नोट करें, देखिए मुझे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, गीत गाना आता है। फ्रेंड्स यहां पर आपको कैसे बनाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है माने मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, तो आप इसको लिखेंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू टीच इंग्लिश, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मैं जानता हूं कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, अर्थात मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है। गीतिका को गीत गाना आता है, तो आप कैसे लिखेंगे, गीतिका नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। आप देख रहे हैं गीतिका नोज, गीतिका जानती है हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गीत को कैसे गाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में हाउ टू से हम बना करके वाक्य तैयार करते हैं। इसी क्रम में आप एक होमवर्क नोट कर लें, उसको कराइए, बनाइएगा और कमेंट करके मुझे भी दिखाने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, क्या तुम जानते हो, नोट कीजिए आप होमवर्क, क्या तुम जानते हो, लिखा क्या तुम जानते हो कि वह कैसे पढ़ता है, क्या तुम जानते हो कि वह कैसे पढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर बंद होता है। अब हम आपको होमवर्क के साथ ये चाहेंगे कि आप को यह बताना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, पढ़ें और शेयर करना ना भूलें। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।